यहां पर क्या रखा है, यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कौन से फॉर्म में होगा, 3p, 3p, मतलब 1 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का फॉर्म क्या होगा, 3p+1 होगा, 3p+1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 3p+1 होगा। अब देखेंगे, चेक करेंगे होगा या नहीं होगा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत इजी मेथड से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आप यहां पे सॉल्व करना, यहां पे लिखेंगे लेट ए बी अ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम क्या करेंगे ए को कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर दे देंगे, तो डिवाइजर क्या होगा, डिवाइजर अभी मैं कराया था फर्स्ट क्वेश्चन में, जो पहला नंबर होगा वो डिवाइजर होगा, बी इज इक्वल टू 3 होगा, बी इज इक्वल टू 3, तो इसका रिमाइंडर्स क्या होंगे, 3 से कम, 0, 1, 2, लेकिन क्वेश्चन में 0 और 1 दे रखा है, दोनों ही लेंगे हम, जितना दिया हम उतना ही सॉल्व करेंगे, ज़्यादा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यूज यूक्लिड डिविजन लेमा, क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और 0 लेस देन आर, आर लेस देन बी, तो यहां पर ए इज इक्वल टू बी क्या है, यहां पे 3 3 क्यू प्लस आर, तो क्या होगा यहां पे, और आर के पॉसिबल वैल्यूज हम यहां लिखे वो 0, 1, 2, ये पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है। यहां पर अब पहला, यहां पे देखिए सिंपल वे में करा रहा हूं, यहां पर फर्स्ट स्टेप ले लेंगे, अगर R इज इक्वल टू पुट, अगर R इज इक्वल टू 0 रखे, ये वैल्यूज रखे 0 और 1, अगर R की जगह 0 रखे ये वाले इक्वेशन में A इज इक्वल टू 3q, R की जगह क्या रखना है 0, A इज इक्वल टू 3q प्लस क्या होगा 0, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, तो इसलिए क्या करना है, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा ए स्क्वायर, ये होगा 3q स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए 3 3 9 हो जाएगा, 3q इंटू 3q हो जाएगा, 3q इंटू 3q, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके दो पार्ट्स बना सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर इज इक्वल टू इसको 3 कॉमन लेके 3 9, इस तरह हम लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट में जो भी रहेगा उसको यहाँ पर जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पी है तो पी समझेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए 3 क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन हो गया। यहाँ पर देखिए 3p है, यहाँ पर भी एक स्क्वायर का 3p है, ठीक है। सेकेंड वाला लेंगे, अगर आर की जगह यहाँ पर 1 हो गया, ये 1, R की जगह सॉरी 0 हो गया, R की जगह इस बार 1 रखेंगे, R की जगह अगर 1 रखे हम इस तरह, अगर हम लोग R की जगह क्या रखें, यहाँ पे 1 रखें, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 3q+1 होगा यहाँ पर, ये याद रखना आपको, A इज इक्वल टू 3q+1। अब क्वेश्चन में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दे रखा है तो वही लेना है, अगर क्यूबिंग दिया तो क्यूब लेना, स्क्वायरिंग दिया तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q+1 होल स्क्वायर होगा। अब इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a+b होल स्क्वायर a² + 2ab + b² ये फॉर्म में ही है, ठीक है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका नाम a दे दीजिए, इसका नाम b दे दीजिए, ए स्क्वायर मतलब 3q स्क्वायर, इसी तरह फॉर्मूले का 2ab मतलब 3q और 1, बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 3 3 9, यहाँ पर है ऑलरेडी 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6q प्लस 1 1 1,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं आप, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, फिर ये प्लस 1 ऐसी ऐसी रहेगी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, जो ब्रैकेट में रहेगा उसको हम सपोज करेंगे पी, प्लस क्या होगा ये 1। इस तरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए ए 3p 3p+1, ये इक्वेशन है, इसी तरह के आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और इसी मेथड का मैं आपको सॉल्व करूँगा, देखिए सेकेंड क्वेश्चन ले लेंगे हम इसको। एक क्वेश्चन आपके पास दे रखा है 4q 4q+1, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म क्या होगा, ये फॉर्म होगा 4q+4q+1। देखेंगे यहां पर, आप यहां पर लिखेंगे लेट ए बी अ एनी पॉजिटिव इंटीजर होगा, और डिवाइजर क्या होगा, जो पहला नंबर रहेगा वो डिवाइजर होगा, डिवाइजर क्या होगा यहाँ पर b इज इक्वल टू, पहला नंबर क्या है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर आप 4 लिख सकते हैं, ये 4, तो इसका रिमाइंडर पॉसिबल क्या होते हैं, कम 0 1 2 3, लेकिन यहाँ पे q और 1 दे रखा है, मतलब ये दो ही करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, फुल फॉर्म लिख लेना आप, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन r, r लेस देन b, और a इज इक्वल टू बी, बी यहाँ पर है 4, क्यू प्लस आर, और r के वैल्यूज पॉसिबल है 0 1 2 3, तो हमको चाहिए 0 और 1 ही। चलिए पहला फर्स्ट स्टेप करेंगे, अगर r की जगह पर आप 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a का a, ये 4q, ये r की जगह 0, a इज इक्वल टू 4q हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q² हो जाएगा ये, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4q को 2 टाइम लिखिए, 4q × 4q, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का क्या हो जाएगा, 16q² हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को कॉमन ले लेंगे हम, तो 4 4 16 हो जाएगा, जो भी ब्रैकेट में रहेगा उसको हम क्या सपोज करेंगे, p, तो ये हो जाएगा 4p, ये फर्स्ट वाला स्टेप है, ये देखिए फर्स्ट वाला, सॉरी q है यहाँ पे, क्वेश्चन में q है तो यहाँ पे q करेंगे, जो है वो करेंगे, यहाँ पर p था तो p करें, यहाँ पर q है तो इसको क्यों करेंगे, पहला वाला हो गया। अब सेकंड वाला, ये 0 तो हो गया, अब 1, अगर आप r की जगह 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4q+1 हो जाएगा, ये a इज इक्वल टू 4q+1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q+1 होल स्क्वायर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a+b होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab+b स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर हो जाएगा 4q², इसको a दे देंगे, इसको b दे देंगे, ए फॉर्मूले का 2, a हो जाएगा 4q, b हो जाएगा 1, और b स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16q², 2 4 8q, 1 1 1, यहाँ पर करूँगा, देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दो 4 के टेबल में आते हैं, 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 4 4 16, 4 2 8, फिर प्लस ये 1 का 1, एज इट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये ब्रैकेट में जो भी है उसको हम q दे देंगे, प्लस क्या है यहाँ पे 1, ये 4q+1, यहाँ पर भी है 4q+1। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन एज इट इज़ वाला होमवर्क आपके लिए सॉल्व करना है, मुझे कमेंट भी करना है सॉल्व करें या नहीं। एक क्वेश्चन है 5q+1 5q+4, r इज इक्वल टू इसके अंदर 0 1 2 ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।